नमस्कार, मैं मानी स्वागत करता हूँ आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम आज बात करेंगे प्रॉक्सी सर्वर और एक है SEO। इन्हीं दो पॉइंट को आज डिस्कस करेंगे, उसके साथ और भी एक दो प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रॉक्सी सर्वर इज यूज टू प्रोसेस क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर वेब पेजेस। एक्चुअली प्रॉक्सी सर्वर कहते हैं किसको, प्रॉक्सी सर्वर किस तरह से वर्क करता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉक्सी, जैसे आप कॉलेज में होंगे तो आपने कई बार ये वर्ड यूज किया होगा, प्रॉक्सी लगा देना। जब आप अटेंडेंस के लिए किसी दोस्त को कहते थे कि हमारा प्रॉक्सी लगा देना, तो उसका मतलब क्या होता था? उसका मतलब होता था घनिष्ठता, यानी कि एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग से कि मैं रूम पे ही रहूँगा, तुम जाके मेरा प्रॉक्सी लगा देना, यानी कि मेरा अटेंडेंस बोल देना। तो ये होता था प्रॉक्सी। तो वही चीज़ है यहाँ भी, यानी कि अगर हमको गूगल टाइप करनी है तो एक आईपी मेरा होगा, तो आईपी एड्रेस जाएगा वहाँ पे, जो इंटरनेट सर्विस होगा वहाँ पे मेरा आईपी जाएगा, वो फिर रिस्पॉन्ड करेगा, तब आके गूगल का मेरा पेज खुलेगा। तो यानी कि अगर सपोज यहाँ पे मैं हूँ, यानी कि ये मेरा लैपटॉप है और यहाँ पे इंटरनेट है, तो यहाँ से मैं एक सिग्नल भेजा कि मुझे गूगल चाहिए, यानी कि गूगल का पेज खोल के दो, तो यहाँ से ये सिग्नल जाएगा यहाँ पे जाएगा और उसके बाद ये रिस्पॉन्ड करेगा मेरे लैपी में। तो ये तो मेन सर्वर हो गया, ये मेन सर्वर हो गया। लेकिन अगर बीच में हम एक प्रॉक्सी सर्वर लगा दें, मैं भेजूं इसको इन्फॉर्मेशन, इसको भेजूं और ये जो प्रॉक्सी सर्वर है ये इन्फॉर्मेशन इसको भेजे, मैंने यहाँ पे भेजा इसको इन्फॉर्मेशन कि गूगल हमें पेज दो, तो मेरा जो आईपी एड्रेस है यहाँ तक पहुँच गया। तो ये जो सर्वर है मेरा आईपी एड्रेस पता कर सकता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ इससे यूज कर रहा हूँ। लेकिन प्रॉक्सी सर्वर होगा जो कि क्या करेगा कि मैं पहले इसको भेजूंगा और ये खुद एक नया आर्टिफिशियल, आप कह सकते हैं, आईपी जनरेट करेगा। प्रॉक्सी सर्वर मेरे आईपी को तो पहचान जाएगा, लेकिन ये मेरे आईपी को यहाँ तक नहीं भेजेगा, ये नया जनरेट कर देगा आईपी और यहाँ तक भेजेगा और इन्फॉर्मेशन लेके यहाँ आएगा, और जो मेरा आईपी है उसी के थ्रू ये प्रॉक्सी सर्वर हमको वो इन्फॉर्मेशन दे देगी। तो प्रॉक्सी सर्वर का यूज कहाँ पे होता है, आप कर सकते हैं अपना इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह से। तो प्रॉक्सी सर्वर ये होता है कि बीच में एक नया सर्वर ले आते हैं जो कि हमारे जो इन्फॉर्मेशन है, आईपी एड्रेस है और भी तरह के इन्फॉर्मेशन है, जो कि सर्वर तक पहुँचने से रोकता है, इस तरह से प्रॉक्सी सर्वर होता है। तो प्रॉक्सी सर्वर इज यूज टू प्रोसेस क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर वेब पेजेज। यहाँ पे वेब पेजेज के लिए मैंने गूगल का वेब पेज खोलना चाहा, तो यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग कर दिया, तो यही कर रहा है प्रॉक्सी सर्वर। मेन फोल्डर ऑन ए स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड रूट डायरेक्टिव। ये एक नंबर का प्रश्न दिया हुआ था MCQ में, तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, बस इसको लिख दिया कि ये रूट डायरेक्टिव कहते हैं मेन फोल्डर को। ग्रांटिंग एंड आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस टू इंटरनेट वेब पेज इज कॉल्ड एक्सट्रानेट। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों को हम अगर इंटरनेट देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एक्सट्रानेट। व्हाट इज डेटा रिडंडेंसी एंड डेटा इनकंसिस्टेंसी। दो प्रश्न बने हुए थे कि डेटा रिडंडेंसी किसको कहते हैं और डेटा इनकंसिस्टेंसी किसको कहते हैं। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ही टॉपिक है, तो इसको समझते हैं। डेटा रिडंडेंसी मतलब कि, यानी रिडंडेंसी आपने कई बार वर्ड सुना होगा कि रिडंडेंट है, चीज़ें रिडंडेंट है, मतलब कि अगर मुझे यहाँ पे बायोडाटा लिखना है, अपना बायोडाटा लिखना है, माय यहाँ पे लिखेंगे नेम मनीष कुमार, फिर फादर्स नेम, इस तरह से हम यहाँ पे क्या करें कि नेम मनीष कुमार, फादर्स नेम फलाना, और फिर नेम मनीष कुमार, मदर्स नेम ये, फिर नेम मनीष कुमार, सिस्टर नेम ये, इस तरह से हम बार बार अपने नाम को रिपीट कर रहे हैं। हालांकि कोई भी पढ़ेगा तो मेरा नाम मनीषी कुमार पढ़ेगा, तीन बार पढ़े या चार बार पढ़े, नाम तो मनीषी कुमार है, तो यानी कि चार बार पढ़ना एक तरह से बेवकूफ़ी है। तो यही है डेटा रिडंडेंसी कि यानी एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, हम एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। और डेटा इनकंसिस्टेंसी मतलब कि जैसे नाम मनीष कुमार है, फर्स्ट पेज में लिखें, सेकेंड पेज में भी बायोडाटा लिख रहे हैं, मतलब कि लंबा चौड़ा बायोडाटा है, तो फिर से लिख दिए पहला कि नेम मनीष कुमार, फिर से तीसरे पेज में भी लिख दिए नेम मनीष कुमार, तो इस तरह से डिफरेंट पेज में सेम ही डेटा पुट कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी। एक है SEO, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था तो बस आप फुल फॉर्म रट के छोड़ देंगे, एक्चुअल में ये क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। SEO इंजीनियर होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे आपका कोई वेबसाइट होगा, आपका या किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई वेबसाइट है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट जैसे ही आप सर्च करें उससे रिलेटेड, जैसे मुझे खोजना है
कि व्हाट इज डॉग, जैसे मुझे नहीं पता कि व्हाट इज डॉग, तो डॉग से रिलेटेड जितने भी वेबसाइट बने होंगे दुनिया में वो एकदम से आ जाएंगे शुरू में, जो सर्च इंजन में हम डालेंगे व्हाट इज डॉग, तो डॉग से रिलेटेड जितने भी वेबसाइट बने होंगे सब आ जाएंगे। अगर SEO इंजीनियर है वो कुछ ऐसा उसमें डिजाइन कर देता है अपने साइट में, अपना एल्गोरिथम लगाता है कि जो ताकि जो उसका वेबसाइट है वो सबसे टॉप पे आ जाए, जैसे ही आप कुछ खोलेंगे उसका वेबसाइट सबसे टॉप पे आ जाएगा, डॉग से रिलेटेड जो भी कुछ खोलेंगे तो उसका वेबसाइट का नाम सबसे टॉप पे आ जाएगा। तो वो कौन करता है, SEO जो इंजीनियर होता है, यानी कि उसके करने के लिए बहुत सारे टेक्निक अपनाने पड़ते हैं, उसके लिए जो टैग होता है, जैसे अगर आप वीडियो बनाते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, तो टैग लगाते हैं, जैसे सपोज मैंने अलजेब्रा का एक वीडियो बनाया तो अलजेब्रा इन हिंदी टैग देंगे, अलजेब्रा बाय मनीष कुमार टैग देंगे, अलजेब्रा बाय इंडियन स्टूडेंट, इस तरह से बहुत सारे टैग दे सकते हैं ताकि कोई भी इसी से रिलेटेड कोई सर्च करे तो हमारा जो वीडियो है वो सबसे टॉप में आ जाए। तो टैग क्या होता है, जिससे कि कुछ भी रिलेटेड सर्च किया जाए तो वो टॉप में आ जाए। तो इसी तरीके से SEO इंजीनियर होता है जो कि उसके वेबसाइट में ऐसा एल्गोरिथमिक चीज डालते हैं जिससे कि उनका वेबसाइट है वो सर्च में सबसे टॉप पे आ जाए। तो यही है SEO। CGI का भी फुल फॉर्म पूछा गया था, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी। CGI क्या होता है, CGI इज द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर टू क्रिएट इमेज इन आर्ट प्रिंटेड मीडिया गेम्स etc। यही है CGI। IRIN इसका भी फुल फॉर्म पूछा गया था, इसका मतलब क्या होता है, इंडियन रजिस्ट्री फॉर इंटरनेट नेम्स एंड नंबर्स, इंडियन रजिस्ट्री फॉर इंटरनेट नेम्स एंड नंबर्स प्रोवाइड IP एड्रेस इन इंडिया। IP एड्रेस को मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया, तो वो जो IP एड्रेस है इंडिया में कौन प्रोवाइड करता है, IRIN, इंडियन रजिस्ट्री फॉर इंटरनेट नेम्स एंड नंबर। तो आशा करते हैं ये प्रॉक्सी सर्वर और SEO आपको समझ में आया होगा। अगले सेशन में कुछ और नए टॉपिक के साथ मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।